I am coming for 7th Hum Awards happening on Saturday, 5th October at NRG Arena, Houston. I'm so excited to see you all. Go book your ticket now. अच्छा चलो आओ फिर मैं तुम्हारा सिर दुबा देती हूँ। सना बस कर दो, छोड़ दो मेरा पीछा, तन्हा रहने दो मुझे। पानी की लाइन का कनेक्शन लेना हो तो उस पे ईमानदारी का भूत सवार हो जाता, खुद की शादी करनी है तो इतना बड़ा धोखा। अरे मेरे बाल खराब हो जाएंगे, दुपट्टा ओढ़ना जरूरी है क्या? आजकल कौन ओढ़ता है? देखो मत जिया। अच्छा ये बताओ, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? ये ना वो लोग मुझे रिजेक्ट कर दें। पागल हो, अगर उनके बेटे ने तुम्हें पसंद कर दिया है तो वो क्यों रिजेक्ट करेंगी? चलो ताई अम्मी को दिखाते हैं, मेरे तो अभी से कदम लड़खड़ा रहे हैं। सुनो जिया, कोई बेवकूफ हरकत ना करना, समझी? मैंने क्या करना? चलो अबू, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हूँ। अबू मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको बहुत सताया, बहुत दुख दिए। नहीं बेटा, ये जो बेटियाँ होती हैं ना, ये होती ही बहुत सालों, एक ना एक दिन हर बेटी ये दुख दे जाती है। आज तुम तो कल किरण। अबू मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी। ऐसा नहीं कहते बेटा, अल्लाह करे तुम भी अपने घर बार की हो, बस अपनी तालीम पूरी कर लेना, इस पगली की तरह जल्दी ना करना। क्या अबू, आप भी ना? माशाल्लाह मेरा पुत्र रिजवान शाना वजिया का बड़ा ही दीवाना है। अच्छा भला मेरा और जमान शाह का प्रोग्राम बना हुआ था अमेरिका लंदन घूमने शूमने के लिए, सारा मेरा टूर ही खराब कर दिया इस बच्चे ने। अच्छा। हाँ जी, अब हम वैसे घूमते ही रहते हैं, दुनिया के बड़े मुल्क हमने फिरे हैं, अब जब बोर हो जाते हैं ना तो मैं जमान शाह को कहती हूँ कि चलें जी बस बाहर अब सैर करने चलें, वो भी थक जाते हैं तो वह हम फ्रेश होके आते हैं, फिर बड़ा मज़ा आता है। और सच्ची बात है बानू बहन, मेरा ना यहाँ से शॉपिंग करने का दिल नहीं करता, जब भी मेरा शॉपिंग का मूड बनता है ना तो फिर मेरा होता दिल के भाई ब्रांडेड चीजें खरीदो, तो टिकट कटा के बहुत दबाई। अच्छा। हाँ जी, बस शौक शौक की बात है ना, अब ये जूती मैंने खरीदी है ना, कोई अल्लाह भला करे तो होगी 50-60 हज़ार टाइप कोई पैसे, पर एक बात है, चीज पसंद आए ना तो फिर मैं पैसों की परवाह नहीं करती। सुमान शाह भी बड़े खुले दिल के आदमी है, उन्होंने कभी नहीं रोका, बस हम सारी पूरी फैमिली में ही है भाई, जिसको जो चीज पसंद है ले लो जितने मर्जी पैसे हो। पापा जो पूछना है वो तो पूछें, आलिया बता रही थी आपके खानदान के मर्द दो शादियां करते हैं, एक खानदान की मर्जी से और एक अपनी पसंद से। नहीं जी, वो तो जी बस आलिया की मजाक की आदत है। हाँ। इसलिए उसने ऐसी बात कर दी, वैसे तो देखना सारे खानदान की पसंद है जिया, रिजवान को जो पसंद है। देखे जी, दूसरी शादी की जरूरत ही क्या है, पहली बीवी काटे टफ टाइम देने के लिए। वो तो ठीक है मगर। मगर क्या सफिया, जब वो बता रही हैं तो हमारे लिए इतना ही काफी। अस्सलाम वालेकुम। ये अकबर भाई हैं, वजिया के वालिद। अकबर साहब कैसे मिजाज है, तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक, आप प्लीज तशरीफ रखें। शुक्रिया जी। आप लोगों के साथ भी बदल गया है। आएंगे जी, अल्लाह खैर रखे तो जरूर आएंगे, ये तो अब आना जाना लगा रहे ना इंशाल्लाह। वो अभी तो उन्होंने मुझे भेजा है, वो कह रहे थे कि आप सबको खाने की दावत दे दूं मैं, इस इतवार को आप सब ने हमारे घर आना है, खाने की दावत है आपको। बहन मगर अभी हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं है तो इंशाल्लाह बन जाना, अब ताल्लुक ही बनने हैं जी इंशाल्लाह। नहीं है। आप अपनी बहन का मान नहीं रखेंगे? देखें मगर सफिया, जाओ किचन में चाय वगैरह। मम्मी आपको
क्या पड़ी थी, इतनी बड़ी बातें बोल गई। ये बातें तो आलिया ने की थी, मेरा दिमाग खराब है तो मैं ऐसी बातें करूंगी? पापा को चाहिए था ना ये सारी बातें पहले कर लेती, आखिर बेटी की माँ है। अदा सॉरी जिया, मम्मी को तो बस आदत है। इसमें आदत की क्या बात है, मेरी बेटी है। मैंने अदा की बात का बुरा नहीं मनाया, वैसे मुझे भी वो आंटी काफी नुमाइश पसंद लगी हैं। बस अब तुम्हें उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, ज्यादा अम्मा बनकर सास पर तबसरे मत करना, बहुत बुरी बात है। अच्छा बीजी ठीक है। हाँ इंशाल्लाह। ये मेरी बेटी जिया और ये मेरी भतीजी किरण। माँ सबके जाए, प्यारी बच्ची। आजा बेटा बैठ हमारे पास है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। प्यारी दादू मासी वो जल्दी से हीरे की अंगूठी निकाले ना जरा, मैं तो आज मंगनी करके ही जानी है। बिस्मिल्लाह। रुक जाइए, बानो आप जरा मेरी बात सुनो। जी मैं आती। हाँ है, इन्हें क्या हुआ? आंटी चाय बना दो। हाँ पुत्र बना दे। ये सब क्या हो रहा है बानो बेगम? ना उस खातून ने मुझसे कोई सवाल पूछा, ना मेरे जवाब का इंतजार किया, कैसे मंगनी करने चली आई? ये क्या तहजीब है, क्या तरीका है ये? इन लोगों का ताल्लुक गांव से है ना, तो फिर गांव के लोग तो ऐसे ही होते हैं, सादा तबीयत बेतकल्लुफ से। ये सादगी नहीं है, मुझे तो यूं लग रहा है जैसे वो हमें घेरने की कोशिश कर रही है। ना मैं उस लड़के से मिला, ना उसके बाप से, ना घर बार देखा, कैसे मंगनी कर दूं? घर देखने की जरूरत भी क्या है, अच्छे खासे तो अमीर कबीर लोग हैं, सारी दुनिया घूमते फिरते हैं। एक जूती भी लेनी हो तो दुबई जा कर लेते। अब आपने देखा नहीं कि वो जो जूती पहन के आई है 350 pounds की है। अच्छा तो उन्होंने आते ही आप पर रोब भी डाल दिया अपनी दौलत का, अपनी जूती की कीमत बताकर? ऐसी बात नहीं है, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि इतने अमीर होकर उनमें गरूर नाम की चीज नहीं, और हम कौन सी शादी की तारीख दे रहे हैं? घर भी हम देख लेंगे, और वैसे भी हमारी बेटी की पसंद भी है। सोचने दो मुझे। तुम देखना तो सही, मैंने तुम्हारी इतनी जबरदस्त बरी तैयार करनी है ना, तुम देखना पूरी दुनिया देखती रह जानी। करोड़ों का बजट है, करोड़ों का। बस पुत्र जी एक मेरी गुजारिश है, शादी के पहले साल हमें तू पोता दे देना बस। ये आप कैसी बातें कर रही हैं जिया के साथ, ये भी आपकी बहू नहीं बनी? ले तो बन जानी है बहू, हम किस लिए आए हैं? आप तो एवं बुरा मना गई हैं। दरअसल जी रिजवान इनका इकलौता बेटा है ना, तो इन्हें पोते की बड़ी जल्दी है। आए अम्मी हम चलते। मैंने अपनी शहजादी को ना महारानी बना के रखना, महारानी। तो देखना तो सही, मैंने रिजवान शाह को पहले ही कह दिया शादी के हनीमून के लिए वर्ल्ड टूर पे जाना है, और जहाज में बिजनेस क्लास की टिकट करानी है। अब आइए भाई साहब बैठे। वो जी आपने सलाह मशवरा कर लिया? वो आपको अकबर साहब को आने का अपना मकसद बता देना चाहिए था। अब मेरी भी ना माती मारी गई है, मैं रिजवान शाह मेरा कला कला पुत्र है, बस मैं भी ना जी एवं एक्साइटेड होके तोहफे शोफे लेके पहुंच गई, पर भाई सच्ची बात है मैं आपकी बेटी को मांगने के लिए आई हूँ, अपनी सोनी सी ती मेरी झोली में डाल दें। मुझे कोई एतराज नहीं है,
मगर एक बार मैं आपके शोहर और आपके साहबजादे से मिलना चाहूंगा, उसके बाद ही कोई फैसला कर सकता हूँ। सौ बिस्मिल्ला। तो फिर जी आप हमारे घर खाने पे आ रहे हैं ना? जरूर इंशाल्लाह। ये सफिया कहाँ चलेगी? अम्मी वो बाहर गई हैं। बानो बेगम, आपकी बहन वैसे इस रिश्ते से ना सड़ गई है। क्यों, उसने आपसे कोई बात की है? देखे ना, पुठी सीधी बातें कर रही थी वैसे। अच्छा आप लोग बैठिए, मुझे जरा काम है कुछ, मैं फिर चलता हूँ। इंशाल्लाह जी, आना है आपने इतवार को फिर। बानो बेगम, आपके मियाँ वैसे बड़ी खुशक तबीयत के हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस असूलों के पक्के हैं। हाय हाय, मैं भूल ही गई, इस जान से मुखड़े को देख के ना ध्यान ही नहीं रहा, ये पकड़ा है ना ब्रेसलेट, तनी किथे है मेरा दिमाग। लाएं जी, ये मैं ब्रेसलेट तुम्हारे लिए ना बाहर से लेकर आई हूँ बेटा। मैंने ना संभाल के रखी थी, मैंने कहा कोई बड़ी खूबसूरत बाजू में मैंने पहनानी है, इतनी महंगी ब्रेसलेट है, ऐवें तो ना मैं किसी को पहना दूंगी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लगी है। बहुत ही प्यारी लग रही है। इतनी प्यारी तो पतली सी कलाई में चमक ही गई है। आए, मैं सबके। अच्छा बानो बहन, फिर ये कढ़ाई वाला जोड़ा ये आपके लिए, नीचे किरण का और आपकी बहन का जोड़ा है, और उसके नीचे दो शर्टें हैं इम्पोर्टेड वाली, वो अपने भाई साहब के लिए है, उनके लिए मैं घड़ी भी लेकर आई हूँ इम्पोर्टेड वाली, बड़ी अच्छी वाली महंगी घड़ी है। बाकी सारे तोहफे शोहफे आपके हैं, और ये ज्वेलरी ये मेरी शहजादी की है। तो बाकी फल छाल मैंने कुछ भिजवा दी है, ये मिठाई सारी चीज़ें आपके वाले। तो अब आप हमें इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह होती है मुलाकात। जी हैं जी, आपने आना है इतवार को, मैं बड़ा इंतज़ार करूँगी, अल्लाह खैर रखे। अच्छा, मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अल्लाह ताला खैर करे। चल मेरा पुत्र जी, मेरी शहजादी, अल्लाह नेक नसीब करे। चले दादू मासी। चले जी जी, बहुत बहुत मुबारक हो, हम जीत गए, अब्बू ने हाँ कर दी है, हम एक होने वाले हैं। वो बाकी जिया जी, हाँ मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, इतनी बड़ी खुशखबरी, लेकिन तुमने खुशखबरी सुनाने में इतनी देर क्यों लगा दी? बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। मुझे तुम्हारी मुबारकबाद की जरूरत नहीं है। तुम कुछ भी कहो, इजाजत की खैर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत नहीं मिलती। गलत फहमी है तुम्हारी, हमारी मोहब्बत को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। किरण आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे दिल चाह रहा है मुझे पर लग जाओ, मैं हवाओं में उड़ना शुरू हो जाऊँ। पर तो तुम्हें लगे हैं, मुझे क्यों उड़ा रही हो साथ? किरण वो भी बहुत खुश है, और तुमने देखा उसने अपना वादा पूरा किया, अपनी अम्मी को भी भेजा और अबू भी मान गए। ये तुम्हारे जज्बों की सच्चाई है जिया, तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी अपने मुस्तकबिल की। कुर्बानी कैसी, जिसे अपना मुस्तकबिल मान लिया उसके लिए तो जान भी दे सकती हूँ मैं। और मुझे पूरा यकीन था कि हम जीतेंगे, और देखो हमने कितनी मिसाली मोहब्बत कायम की, अम्मी अब्बू को धोखा भी नहीं दिया, अब बदनामी भी पास नहीं आने दी। और अब सारे काम तुम करोगी, मैं किसी काम को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, ये ना हो कि मैं काम और शॉपिंग में लगी रहूं और शादी वाले दिन मुझ पर रूप भी ना चढ़े। जिया, रूप तो अभी से तुम्हारी आंखों में झलक रहा है, मेरी दुआ है कि ये रूप ये मोहब्बत कभी ना मान पड़े। अक्सर आप हाँ करके हैं परेशान, बस अब दुआ करें कि हमारे जिया के नसीब अच्छे हों। इस दुआ के सिवा मेरे दिल में और कोई दुआ नहीं है। आप
आपने देखा नहीं, बल्कि कितनी सादा, कितनी मासूम है। तो बाकी लोग भी ऐसे ही होंगे। मगर माहौल का बहुत फर्क है। बल्कीस बेगम को दौलत की नुमाइश का शौक है। अरे भाई, अल्लाह ने उन्हें दिया भी तो बेइंतहा है। जायदाद का, जमीनों का बिजनेस है उनका, तो ना चाहते हुए भी नुमाइश तो हो ही जाती। अकबर भाई, आपने बुलाया मुझे। आओ सफिया, बैठो। सफिया, तुम भी इस घर का फर्द हो। जिया को बानों से ज्यादा तुमने पाला। तुम्हें बिल्कीस बेगम कैसी लगी? अकबर भाई, हाँ करने के बाद राय मांग रहे हैं। अरे भाई, वो हाँ तो कर ही चुके हैं, वो तो सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए पूछ रहे हैं। बेटी का मामला है, ना तो चुप रह सकती हूँ और ना ही बोलकर आपा की नाराजगी मोल ले सकती हूँ, और ना ही अकबर भाई चुप रहकर जिया के साथ ज्यादती करना चाहती हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? देखिए आपा, जूती 50 रुपए की हो या 50,000 की, हर इंसान की अपनी एक हैसियत होती है, लेकिन अपने मुंह से यूं कीमत बताना। बस बस सफिया, रहने दो। ये हम किन बातों में पड़ गए? मैंने कहा ना, आप इतना ना सोचें। आप देखेंगे हमारी बेटी कितना खुश रहती है। सफिया, तुम जाओ जाकर किचन को ले। जी आपा। पर आप इतना ना सोचें। अच्छा ना, आप फोन करें, कल की मिठाई और फल का ऑर्डर दे। वो सब हो जाएगा। हाँ तो मैंने कर दी है, मगर फैसला मैं बिल्कीस बेगम के शौहर से मिलने के बाद ही करूंगा। दूसरी औरत कितना तीर होती है, जो एक बार कलेजे में चुभ जाए ना, सारी जिंदगी के लिए धंस जाता है। आप क्यों अपने दिल में मेरे लिए मैल रखती हैं? मैल होगी तो मैला ही कहूंगी ना। बस कर दे ताई अम्मी। साया, साया, साया।